यस गाइस आई एम गुडिंग MBBS. वाई एम गुडिंग MBBS? आखिर क्यों? तो वैसे तो रीज़न काफ़ी है, मतलब मैंने ऐसे ही एक रीज़न की वजह से नहीं छोड़ रहा, पर पहले मैं स्टोरी सुना देता हूँ मेरी. जैसे हर बच्चे का ड्रीम होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना हो, आर्मी में जाना हो. तो फिर वैसे मेरा भी था डॉक्टर बनेंगे, 10th दे दिया, साइंस ले लिया. फिर साइंस जब लिए 11th 12th में लॉकडाउन लग गया, तो ज़्यादा कुछ अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं. और फिर नीट निकली नहीं, मतलब तब 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी और उसमें सीट होती 1 लाख के करीब गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के. फिर हर साल का कंपटीशन बढ़ता जाता है, 20 लाख 22 लाख 25 लाख हो जाएंगे. तो मैंने ड्रॉप लेने की सोची नहीं, एक दो साल का ड्रॉप लेने का मतलब ही नहीं था. फिर तो फिर मैंने सोचा चलो MBBS अपलोड कर लेते हैं. तो फिर मैं MBBS अपलोड का ऑप्शन ले लिया, फिर यहाँ पे आ गया MBBS करने. और अभी 3 सेम तो निकाल दिए, 4th सेम में आके रियलाइज़ हो रहा है बहुत कुछ कि भाई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि 23-24 साल तक के तो खाली एक डिग्री आएगी, फिर वापस दूसरी मास्टर्स करोगे, उसमें 3-4 साल जाएंगे. अगर बीच में ड्रॉप ना लगा तो, अगर ड्रॉप लग गया तो उससे भी ज़्यादा टाइम जाएगा. बहुत कुछ है वैसे, 30 साल तक तो सिर्फ पढ़ाई, 30-32 तक के फिर स्पेशलाइजेशन करो कुछ भी फील्ड में. तो मतलब पढ़ना बहुत है, वो भी रिलीज हो गया, और मैं इतना पढ़ता था नहीं, और सपने बहुत अच्छे अच्छे देख लिए थे, पर फिर भी मैंने सोचा कर लेंगे MBBS ही. तो कर लिया MBBS चूज़, आ गया इधर. फिर यहाँ पे आने के बाद 1-2 सेम निकाल लिए, अभी 4th सेम में हूँ. और 4th सेम में आने के मतलब अभी वीक शुरू हुआ है, और 2 हफ्ते से मतलब मैं अकेला अकेला रह रहा हूँ, मतलब यही सोच रहा हूँ कि क्विट करूँ या ना करूँ. तो आखिरकार डिसीजन मैंने बना लिया कि मैं क्विट कर रहा हूँ. पर देखो स्ट्रेस वो तो होता ही है, डिप्रेशन भी मेरे को थोड़ा बहुत हो रहा था, अकेले अकेले रह रहा था उसमें. फिर और भी 2-3 मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि MBBS छोड़े. फिर इतना मेंटल स्ट्रेस लेना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जो आपको फील्ड में मिल रहा हो, या फिर फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा इसलिए मिल आ रहा है डिप्रेशन मेंटल स्ट्रेस. तो फिर छोड़ने की सोची मैंने, तो 2 हफ्ते से मैं सोच ही रहा था, अभी तक किसी को बताया नहीं है. और आज डिसीजन मतलब बना था कि फाइनली आई एम क्विटिंग MBBS. और एक बात थी जो कि मतलब देखो मेरे को फैमिली प्रेशर कोई नहीं था कि देखो डॉक्टर ही बनना है, कि तू डॉक्टर ही बन, इंडिया से बन या बाहर से बन कोई मतलब नहीं है. और मैं तो खुद की मर्ज़ी से आया, पर यहाँ पे लोग काफ़ी फैमिली प्रेशर में भी आते हैं कि डॉक्टर बन, फैमिली का प्रेशर डॉक्टर बनना, इसलिए यहाँ पे आके डॉक्टर बनते हैं या फिर इंडिया में प्राइवेट में जाते जो भी हो. और जो पैसे वाले बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, तो मतलब वो बिगड़ जाते हैं, मतलब बहुत ख़राब आदतें लग जाती है यहाँ पे आके. तो अभी तक तो मेरे को नहीं लगी, एक ये रीज़न भी था, मेरे को ख़राब आदतों में नहीं जाना था. अच्छा भाई अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह से कुछ कर लेंगे. और वैसे तो सोचा था कि डॉक्टर लगेगा नाम के आगे बहुत अच्छा लगेगा, पर वो तो PhD करके भी लगा लेंगे उसकी, मतलब कुछ है नहीं. पर सब लोग प्राउड फील करेंगे डॉक्टर बनूंगा तो, मतलब पेरेंट्स करेंगे, मतलब घर वाले. पर फिर अब सोचा, मतलब मेरे आइडिया में मतलब दिमाग में क्या है कि देखो 23 तक एक डिग्री आएगी, और यहाँ पे मतलब पैसे डालो, एक फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है MBBS अब्रॉड की. और फिर 23 के बाद भी आपको इंटर्नशिप या फिर खाली आगे कहीं जाओगे, इंडिया में जाओगे, तो इंटर्नशिप में कुछ इतना मिलता नहीं है, सबको मालूम है, या रेसिडेंसी में कुछ इतना मिलेगा नहीं कि तुम मास्टर्स की फ़ी खुद से निकालो. और फिर बाहर जगह अगर कोई दूसरी कंट्री में गया मास्टर्स करने या फिर रेसिडेंसी करने, तो वहाँ पर फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी, और तब तो कोई इनकम होगी नहीं मेरे पास, तो फिर तब फीस कैसे निकालेंगे, और कब तक घर से पैसे मांगते रहेंगे, अगर 24-25 साल 26 साल तक घर से पैसे मांगेंगे क्या फिर. और वैसे मैंने काफ़ी सीनियर से बात भी की, देखो मतलब जो अभी 10th सेम में है, 11th सेम में, उन लोगों को भी रिग्रेट हो रहा है कि भाई कुछ और कर लेते ज़िंदगी में लाइफ के साथ, क्योंकि बाद में रिग्रेट होना बहुत गलत चीज़ होती है. क्योंकि देखो तब जाके रिग्रेट होना कि अभी मास्टर्स के लिए पैसे करने इकट्ठे, फिर या लोन लेंगे या कुछ भी करोगे, या घर से कब तक मांगोगे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि उनके जो दोस्त है वो वहाँ पे अच्छा खासा कमाना शुरू कर देते उनकी एज में, मतलब उनका अच्छा खासा पैकेज लग जाता है इंडिया में, और बाहर हो तो बाहर भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, खुद का घर बना लेते हैं 24-25 तक, मतलब घर 26 तक बन जाता है, पर पैकेज अच्छा खासा लग जाता है 30 लाख का 40 लाख का इंडिया में, कुछ और फील्ड में, या फिर स्टार्टअप कर लेते कोई. तो मेरे को रिग्रेट नहीं करना. तो फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप आउट कर लेते, और आजकल ड्रॉप आउट वाले अच्छा कर रहे हैं बाहर, तो हम भी कुछ कर लेंगे, देखेंगे अब इंडिया जाके कुछ कर लेंगे. चलो फाइनेंशियल की बात तो बाद में, मतलब फाइनेंशियल की बातें छोड़ते हैं, क्योंकि घर वाले सबके, मतलब घर वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं फाइनेंशियल के लिए, पर फिर भी मेरे हैं, मतलब मेरे को शायद मिल जाएंगे, पर फिर भी मेरे को दिमाग से मतलब
खुद से ऐसा हो रहा था कि भाई ये नहीं करनी चीज़। तो फिर एक तो ये माइंड में आया, फिर पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस हमेशा, भाई ये कंप्लीट करना है, ये पढ़ना है, कल इसकी एग्ज़ाम, ये करना है, इससे अच्छा मज़ा नहीं आ रही थी यहाँ पे फिर MBBS करने की, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल उतना है नहीं, एक्सपोजर पहले ही बता रहा हूँ, तो ना ही कुछ प्रैक्टिकल करने मिल रहा। कब से 2 साल हो गए थियरी थियरी थियरी, अभी एक और साल थियरी पढ़नी है, फिर प्रैक्टिकल देखने मिलेगा। और जैसे कितनी किताब पढ़ोगे, मतलब कि डॉक्टर बनना है तो अच्छा डॉक्टर बनो, मतलब ख़राब डॉक्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर सोचा कि इसलिए मेरे को दिमाग में आया कि MBBS छोड़ देते हैं, कि स्ट्रेस भी, फिर पढ़ाई पढ़ाई, एग्ज़ाम्स रोज, सेमिनार तो ये करो। और फिर यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, मतलब मेरे को इतने जमे नहीं कि, क्योंकि सब अपने अपने में रहते, मेरे 2-3 दोस्त थे बस, मतलब जो आपको दिखते हैं वही है। तो फिर अब छोड़ लिया कि इंडिया जाके कुछ कर लेंगे, वैसे भी स्टार्टअप चल रहा है, शार्क टैंक देखते रहते हैं, तो आइडिया आते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ इंडिया जाके अच्छा कर लेंगे। उससे अच्छा मैं सोचा इंडिया जाते स्टार्टअप कर लेंगे, फिर यूट्यूब ट्राई कर लेंगे, ये तो यूट्यूब अभी टाइम पास, मतलब पार्ट टाइम जैसा है। तो फिर बस, और मतलब मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को तेरी रियल यहाँ पे MBBS करने में, तो बस यही आइडिया था। तो मैं अब क्विट कर रहा हूँ MBBS यहाँ पे, और चलो MBBS ख़त्म भी कर दी, फिर क्या, फिर मतलब फिर वापस कंपटीशन, मतलब इतने सारे बच्चे PG के लिए लड़ाई, इंडिया जाओगे तो FMG दोगे, मतलब चलो FMG सबकी क्लियर हो जाती, मतलब हो सकती है अगर अच्छे से पढ़ेगी तो FMG क्लियर हो सकती है, इतनी हार्ड नहीं है। या फिर USA में ली दोगे, या फिर कोई और कंट्री में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में AMG होती है, UK में प्लैब होती है, सारी एग्जाम दोगे। पर फिर रेसिडेंसी का प्रोग्राम आएगा, रेसिडेंसी में लाइफ बिजी, मतलब डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी रहती है, सही कह रहा हूँ, मतलब मैं देखें डॉक्टर्स की लाइफ अभी, मतलब हर कॉलेज में, पर फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, खाली हॉस्पिटल जाओ, लेक्चर्स दो, पेशेंट करो भाई, मतलब ठीक है, मतलब नोबल प्रोफेशन है, मना नहीं कर रहा, पसंद भी आता है, मेरे को भी पसंद है, मतलब किसको भाई, किसको पसंद नहीं होगा किसी इंसान को ट्रीट करना, मतलब अच्छे, मतलब जो किसी को बीमार हो कोई अच्छा करे, खुशी मिलती हो सब करके, मतलब तो ऑपरेशन भी करो, इंसान को ठीक ही कर रहे हो ना, तो आपको खुशी मिलेगी। पर मेंटल स्ट्रेस के ऊपर, पहले खुद की मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ देखो, फिर बाकी सब देखो, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से। पर ठीक है, अब मेरे को दूसरी चीज़ करने की इच्छा हो रही है, तो कोई नहीं, रिग्रेट नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में, तो बाद में जाके रिग्रेट करूँ, अच्छा अभी छोड़ देता हूँ 4th सेम में, और 6 मतलब कितने 12 सेम का तो एक कोर्स ही है MBBS, फिर बाद में दूसरे वापस 6-8 सेम का कोर्स आएगा रेसिडेंसी या मास्टर्स का, फिर जाके 2 डिग्री, फिर वापस स्पेशलाइजेशन, मैं छोड़ो नहीं करना। तो बस इंडिया जा रहा हूँ 4th को, 4th तारीख की मेरी फ़्लाइट हो चुकी है, इंडिया जाके कुछ स्टार्टअप या कोई नया कोर्स, पता नहीं क्या, इंडिया जाके सोचेंगे, थोड़ा ब्रेक लूँगा, फिर आराम से सोच के जो आपको बताऊँ। और मैं अभी यस मतलब हंसी धीरे धीरे इसलिए आ रही थी क्योंकि गाइस ये प्रैंक वीडियो, मैं कहीं नहीं जा रहा और MBBS ख़त्म ही कर रहा हूँ, यहाँ पे ही हूँ, ये प्रैंक वीडियो था, क्योंकि तो ये गाइस प्रैंक वीडियो था, अब सबको अप्रैल फुल बना रहा था, मतलब आज 1 अप्रैल है, तो अभी मेरे को लेट हो रहा है, देखो 1:40 हो गए, मेरे को निकलना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं शूट किया फटाफट ही वीडियो, और अब फटाफट निकलते हैं इवेंट के लिए, और उसका शॉट डालूंगा मैं थोड़े दिनों बाद, क्योंकि अभी डालूंगा तो फिर ये वीडियो में मज़ा नहीं आएगी, ये तो वीडियो कल की कल ही जाएगी। ऐसा कुछ सेटअप था मेरा, इस कोई गिलास रखा था, इसके ऊपर बुक रखी है, और ये फ़ोन का स्टैंड, क्योंकि जुगाड़ करके शूट करना पड़ता है आजकल, क्या करें, स्टैंड बैंड कुछ है नहीं, कोई ट्राईपॉड नहीं है, तो अभी जुगाड़ से चल रहा है, फिर सब धीरे धीरे लेंगे, देखते हैं। आज है 31 मार्च और कल होने वाली 1 अप्रैल, जो कि अप्रैल फुल का डे होता है, तो मैंने सोचा है कि कुछ मेरे दिमाग में आइडिया कि चलो कि अप्रैल फुल का वीडियो ही बना देते हैं, तो एकदम से अचानक से रात को सोचा सोचा आइडिया, तो अब वो वीडियो बना रहा, मतलब वीडियो रहेगा इसमें आई एम क्विटिंग MBBS, क्विटिंग MBBS ऐसा करके वीडियो बना दूंगा एक, अभी तो उसका वीडियो शूट करूँगा, अभी सेटअप लगे, देखो सेटअप है अभी, मतलब ये शूट करूँगा, और अभी बज रहे 1:10 और मेरे को 1:30 बजे निकलना है एक इवेंट के लिए, मतलब पैथोलॉजी का लेक्चर इवेंट टाइप है, जिम्सो के जॉर्जिया में, उधर इधर जिम्सो करके एक नॉन NGO करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने एक इवेंट रखा है, तो वहाँ पे जाना है अभी, आधे घंटे के अंदर निकलूँगा फटाफट ये वीडियो शूट करके, और फटाफट अभी इसके इसके स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई, तो यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा अभी कि क्विटिंग MBBS, उसमें जो जो आएंगे 3 टॉपिक तो मालूम है, देखो स्ट्रेस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया, इतनी तो बोलना ही है, और क्या बोलना, क्योंकि 6-8 मिनट की स्टोरी बनानी पड़ेगी, तो अभी वही बनाते हैं वीडियो बनाते हैं, तो चल देखो अब तो बनी बनाई स्टोरी थी, पता नहीं कैसा वीडियो बना होगा, क्योंकि थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बनाया, जल्दी जल्दी में बनाया, 15-20 मतलब आधे घंटे के अंदर बनाया मैंने, मेरे पास टाइम भी नहीं था, मेरे को एक वर्कशॉप, मतलब
जिमसॉक कम्युनिटी यहाँ पे वर्कशॉप कराती है पढ़ाई की, मतलब जैसे मेरा पैथोलॉजी का है तो आज पैथोलॉजी की एक वर्कशॉप है, मतलब पैथोलॉजी के रिलेटेड सारे लेक्चर्स आएंगे बाहर से टीचर्स देने, तो मैंने सोचा भाई वो भी जाके आते हैं। तो फिर अभी वहाँ जाना था तो आधे घंटे के अंदर जितना बोल पाया, जितनी स्टोरी बन पाई उतनी बना के फटाफट बोल दी 5-10 मिनट के अंदर अंदर, और अब देखते आउटपुट कैसा आता है एडिटिंग में, क्योंकि मेरे को थोड़ा अभी मर्ज में उल्टा सीधा करना पड़ेगा, फिर आउटपुट देखते कैसा बनता है, अच्छे से एडिटिंग करूँगा रात को। और अभी इवेंट ख़त्म करके, मतलब ये जो वर्कशॉप है वो ख़त्म करके आके कॉल करके दोस्तों के साथ भी प्रैंक करूँगा आज, और आज पूरी रात एडिटिंग में लगेगी और कल आपको वीडियो देखने मिलेगा वाला। और यहाँ का वेदर पता नहीं कैसा है, कभी बारिश हो जाती, लास्ट वीक तक बारिश थी यहाँ पे, 3 दिन बारिश गिरी है, मतलब टुकड़े टुकड़ों में काफ़ी ज़्यादा बारिश गिरी, फिर अचानक से विंडी हो गया था, एकदम ठंडा माहौल हो गया, और कल तो सनी प्लस विंडी, मतलब 55-60 किलोमीटर की विंड चल रही थी, और फिर आज वापस एकदम गर्मी, सनी एकदम बहुत गर्म लग रहा है आज तो, देखते फिर, मतलब यहाँ का वेदर अलतू फालतू, मतलब कभी सुबह गर्मी रहेगी, कल सुबह ठंडी लगेगी, दोपहर में गर्मी लगेगी, फिर रात को वापस ठंडी हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है, पागल वेदर है यहाँ का। और अभी बस का वेट कर रहा हूँ, आएगी थोड़ी देर में, फिर बस पकड़ के आधे घंटे का रास्ता है, देखो 2 से 2:30 का रजिस्ट्रेशन का टाइम था, फिर 2:30 से 2:30 बजे से 4:30-5 बजे तक वर्कशॉप चलने वाली है, लेक्चर चलने वाले, और 2 तो मेरे यहाँ पे ही बज गए, देखो 2 बज गए ऑलरेडी, आधे घंटे के अंदर पहुँचना पड़ेगा, रास्ता ही 35 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, बस में जाऊँगा तो बस बदल के जानी है, थोड़ा लेट तो चलता ही, हर जगह लेट होता ही है वैसे भी अपना। अभी मैंने बुक पे लिखा है क्विट और व्हाट, ठीक है, क्विट मतलब एक और ही लिखा है हिंट देने के लिए, 01/04/2024 हिंट देने के लिए, तो ये अभी मैं पोस्ट कर दूंगा इंस्टा या स्नैप पे, मतलब सब पर डाल दूंगा दोस्तों, मैं फ़ोटो भेज दूंगा क्विट का, और नीचे व्हाट लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे क्या क्विट कर रहा है, काइंड ऑफ ए प्रैंक है, अप्रैल फूल गया, और अभी बज रहे 9:30, हाँ 9:30 बज रहे, 9:30 बज रहे, मैं फिर अभी 1-2 घंटा पोस्ट करके जाने दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा, फिर 2 घंटे बाद देखूँगा किसी का कुछ रिएक्शन आता है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो 12 बजे सबको कॉल करूँगा, आई छोड़ रहा हूँ MBBS, 4 तारीख की मेरी 4 अप्रैल की फ़्लाइट है, मैं जाऊँगा इंडिया, बाय बाय करूँगा, और फिर बोल दूँगा, टिकट भेज दूँगा, फेक टिकट वो तो मिल जाएगी ऑनलाइन, फेक टिकट की बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब 11:30 बज चुके, 2 घंटे हो चुके, ठीक है, तो अब मैं दोस्तों को कॉल करना चालू करूँगा, और अभी एक दोस्त का कॉल भी आया था तो उससे बात की, वो भाई उसको हजम ही नहीं हो रहा था कि MBBS छोड़ रहा हूँ, मतलब वो ना बोल रहा स्ट्रेस है भाई, स्ट्रेस तेरे को, मैं बोला हाँ भाई हो गया डिप्रेशन विप्रेशन भाई तेरे को, मैं बोला हाँ भाई, तो फिर वो मान ही नहीं रहा था, पर जो जो जानते मेरे को वो लोग नहीं मानेंगे ये चीज़, फिर मैंने उसको मालूम पड़ ही गया था ऑटोमेटिक, तो उसको उसको तो स्टोरी भी नहीं देखी थी, फ़ोटो भी नहीं देखी थी क्विट वाली, फिर भी उसको मतलब मालूम पड़ गया कि कुछ नहीं छोड़ रहा मैं, प्रैंक उसको खुल गया, मतलब उसके साथ तो नहीं हुआ, अब दूसरे लोगों को कॉल करते हैं, अब लगाते एक को कॉल, देखते हितेश को लगा दे रहा, उठाएगा कि नहीं, क्या रिएक्शन आता है देखते हैं, इसने देखा है पर इसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया इंस्टा पे स्नैप पे, तो और बाकी 2-3 लोगों के, 4-5 लोग नहीं, थोड़े लोगों के आ गए रिप्लाइज, अभी तक मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिए, रात को सोते वक्त दूंगा 12 बजे, क्या ही बोलूँ अभी, MBBS छोड़ रहा हूँ तो कोई मानेगा नहीं, तो सोच रहा हूँ, तो ऐसे ही रिप्लाई है कि क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहा है, MBBS छोड़ रहा है, ऐसे ऐसे रिप्लाई आया, अभी देखते हैं, उनको रात को रिप्लाई दूंगा, ये उठा नहीं रहा, नेट ऑफ है, अभी कॉल चल रहा है शायद इसका, आई उठा ले, और किसको कॉल करें, जतिन को अभी कर नहीं सकता क्योंकि इसका ऑलरेडी कॉल चल रहा होगा, फिर भी देखते हैं, और मैं वीडियो कॉल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को मालूम है हंसी आ जाएगी मेरे को, तो वीडियो कॉल करने का मतलब नहीं है, फैजान को करते हैं, फैजान कि भाई वीडियो कॉल करूँगा तो मेरे को हंसी आ जाएगी, वो लोग पकड़ लेंगे तुरंत, उठा ले भाई फैजान दिलसाद, उठाएगा। हेलो, हाँ भाई, हेलो, क्या कर रहा था, हेलो आवाज आ रही है, आ रही है,
सो क्यों उठा क्या? सो रहा था क्या भाई अभी इतना जल्दी? इतना जल्दी क्यों सो रहा था? सो गया था। और कल इसकी बर्थडे 2 अप्रैल को। हाँ तो भाई कल क्या है तेरा? कल लेक्चर है अभी को। तो कल तो तू जा नहीं रहा होगा? नहीं लेक्चर जाऊंगा। लेक्चर जाएगा? सेमिनार नहीं है कल तेरी? छुट्टी है मतलब? कितने बजे? 2 बजे। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं भाई मैं MBBS छोड़ रहा हूँ। हाँ भाई इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ। बस यार मन भर गया MBBS से। अरे भाई सच्ची कह रहा हूँ यार MBBS, क्योंकि देख यार फाइनेंशियल की वजह से फाइनेंशियल इश्यू मतलब थोड़े बहुत थे, फिर इसमें कोई स्ट्रेस हो रहा था, फिर डिप्रेशन हो गया 2-3 हफ्ते से। देखना मैं ऑलमोस्ट एक लास्ट महीने में अकेला अकेला था, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से तो अकेला ही रह रहा था। डिसीजन देख रहा था कि भाई पक्का छोड़ू या ना छोड़ू, तो अब मैंने बना दिया फिर आज। अरे भाई सच्ची कह रहा हूँ मैं, जो फोर्थ की टिकट है मेरी, इंडिया जा रहा हूँ। अरे भाई टिकट भेजू क्या मैं तेरे को? टिकट भेजू क्या तेरे को? फिर मानेगा? हाँ अरे भाई मस्ती क्यों करूँगा मैं? मस्ती कर रहा तू कहना क्या चाह रहा है? आएगा तो फिर कहाँ आऊंगा मैं? नहीं आऊंगा फिर, जॉर्जिया बाय बाय। मजाक कर रहा है, फल तो मैं फल तो बीच में से कौन छोड़ता होगा? मैं छोड़ रहा हूँ ना भाई, मेरे बस अचानक हुआ, मेरे दिमाग में बस कुछ ना कुछ आ रहा था, छोड़ दिया फिर मैंने। अब चल चले चल क्या बात, पागलपन की पागलपन भी हो सकता है भाई। मैं कौन सा नशा करता हूँ? कभी कभी कर लियो तो लगा लियो पे। ना भाई घर पे अकेला हो क्या ही लगाऊंगा। हाँ भाई सही कह रहा हूँ मैं, मान ही नहीं रही। अबे यार तूने स्टोरी नहीं देखी क्या इंस्टा की? स्नैप भी नहीं दिखा क्या? मैंने लिखा तो है उस पे क्विट, तो MBBS क्विट कर रहा हूँ और कुछ। अच्छा, अबे हाँ कोई बोल तो रहा था मुझसे। कौन बोल रहा था? काम बोल रहा था, चढ़ रही है क्या तुझे? तो अभी मैंने प्रैंक कॉल किया दोस्तों को, अभी वो पार्ट डालूंगा या नहीं डालूंगा वो पता नहीं, क्योंकि अब कोई मान नहीं रहा था मतलब कुछ, फिर वो पार्ट डालने का मतलब नहीं है, और फिर बातें भी थोड़ी बहुत हुई ऐसी, तो शायद थोड़ा थोड़ा टुकड़ा पार्ट डाल दूंगा। और प्रैंक कॉल मतलब फेल ही गया, क्योंकि दोस्तों को मालूम है कि भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला, मतलब इतना बड़ा झूठ कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि अचानक कोई कॉल कर बोला MBBS छोड़ो, कोई मानेगा नहीं ऐसे। तो मतलब फैजान बोल रहा है कल मिलते हैं, कल मैं उससे मिल के, वो भी उसको तब तक मालूम पड़ ही जाएगा। और फिर हितेश भी नहीं माना, कोई माना नहीं, तो अब वो शायद वाला पार्ट डालूंगा नहीं, आई थिंक अभी कॉल आएगा थोड़ी देर में, तो वो भी नहीं मानेगा, मालूम है मेरे को। तो अब बस अब कल ये वीडियो डालूंगा, आई एम क्विटिंग MBBS वाला, अब टाइटल देख लिया सबने। तो चलो अब ये फन व्लॉग होगा, फन वीडियो बना होगा शायद, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया मैंने फन बनाने की। तो अभी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इधर ही एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, बाय। तो मैं अब क्विट कर रहा हूँ MBBS यहाँ पे, और 4 तारीख की मेरी फ्लाइट है 4 अप्रैल की। और मैं आज इसलिए ला क्योंकि गाइस ये प्रैंक वीडियो, मैं नहीं छोड़ रहा MBBS, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं ही MBBS का मतलब करने वाला हूँ।